देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। संकल्पों की शक्ति से बदलती है दुनिया। संकल्पों की भाषा से हम अपने आसपास की दुनिया बदल सकते हैं। संकल्प से सृष्टि बनती है। यदि इसे बदलना शुरू कर दें तो हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। यह बात हैप्पीनेस अनलिमिटेड असीम आनंद की ओर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने अंबेडकर ग्राउंड में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित विशाल आध्यात्मिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। तो इस नए साल में इस लक्ष्य को रखो कि मेरे घर की ऊर्जा में इतनी शांति और स्थिरता है कि कोई बाहर से नया भी आता है तो कहता है कितना सुकून है आपके घर के अंदर। जैसे हम मंदिर जाते हैं या कोई भी धर्म स्थान पर जाते हैं, आश्रम जाते हैं, प्रवेश करते हमें सुकून मिलता है या नहीं मिलता? मिलता ना। कैसे बना वहाँ सुकून? सिर्फ क्योंकि वो मंदिर है इसलिए वहाँ सुकून आया, ऐसा नहीं होता। लेकिन हर एक जो उस मंदिर में जा रहा है उसकी मन की स्थिति में क्या होता है? भावना होती है, प्यार होता है, शुक्रिया होता है, श्रद्धा होती है, शब्द बहुत श्रेष्ठ उच्चारण होते हैं और इसीलिए उस स्थान की वाइब्रेशन क्या बनती जाती है, इतनी ऊपर बनती जाती है। इस कार्यक्रम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता, भिलाई सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके आशा, महापौर प्रहलाद पटेल, जिलाधीश भास्कर लश्कार, कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप के पुत्र सिंगर व उद्योगपति सिद्धार्थ कश्यप, मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार समेत अनेक कई गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर अपने दिल के भाव व्यक्त किए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा, जिसका स्थानीय हजारों लोगों ने लाभ लिया। भौतिक सुख सुविधा के साधन आज हर एक के पास प्राप्त है। धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। तो वो आनंद कोई साधनों से या धन से नहीं खरीदा जा सकता। वो आनंद आत्मा की एक बहुत सुखद अनुभूति है और वो प्राप्ति का आधार या सोर्स हम कहें, वो निराकार परम पिता परमात्मा शिव है। और आज हमारा रतलाम शहर सौभाग्यशाली है कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और हम सब आज अपने जीवन की कला को किस तरह से जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से आनंद प्राप्त किया जा सकता है और हम कैसे जाने, ये आज हमें दीदी बताएगी। शिवानी दीदी का रतलाम में प्रथम आगमन हुआ है। मुझे लगता है ये हमारे गाँव के लिए सबसे बड़े सौभाग्यशाली दिन है जब हम आज उन्हें यहाँ देख रहे हैं। हम उन्हें सुनते रहते हैं, वीडियोस में देखते रहते हैं, लेकिन जो इनका ऑरा है, इनका यहाँ पर होना, मुझे लगता है इस पंडाल में बैठे हुए जितने लोग हैं, हम सब के जीवन में जो सफलता है उस सफलता की शुरुआत आज से हो गई है। रामकृष्ण सेवा आश्रम में अनेक संतों समेत ब्रह्मा कुमारी विशेष आमंत्रित। मध्य प्रदेश के मंडला स्थित रामकृष्ण सेवा आश्रम के द्वारा मां शारदा जी की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में विभिन्न संतों का आगमन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी संस्थान से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ममता और बीके ओमलता भी मुख्य रूप से आमंत्रित रहीं। इस कार्यक्रम में मंडला जिले एवं अन्य स्थानों से अनेकानेक संत पहुंचे। इस अवसर पर आश्रम के संचालक शारदा आत्मानंद स्वामी ने बीके ममता बीके ओमलता को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया, तो वहीं बीके ममता ने सभी संतों को ज्ञानामृत पत्रिका देते हुए स्थानीय सेवा केंद्र पर आने का निमंत्रण दिया। शिव स्मृति भवन में दिव्यांगों के साथ मनाया नववर्ष। नववर्ष के उपलक्ष्य में जबलपुर के नेपियर टाउन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के प्रांगण में नेत्रहीन कन्या विद्यालय के पदाधिकारी व बालिकाओं को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य पूनम मिश्रा, समाज सेवी अनिल सराठे, प्रेसिडेंट बलराम सिंह, समाज सेवी रुक्मणी राय, विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय प्रभारी बीके भावना एवं अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर नेत्रहीन कन्याओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। संस्थान में पधारे गणमान्य जनपदाधिकारी व नेत्रहीन कन्याओं का भव्य स्वागत सत्कार कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
बेंगलोर के बसवाना गुड़ी स्थित वरदानी भवन में अलग ही उत्साह से नव वर्ष का स्वागत किया गया। अध्ययनों में यह साबित हुआ है कि अलग अलग रंगों का हम पर बड़ा असर होता है। हर रंग का अपना महत्व है, जैसे नीला और सफेद रंग शांति का, पीला रंग खुशी और ऊर्जा का, हरा रंग उम्मीद और नई शुरुआत का, तो वहीं लाल रंग प्रोत्साहन और गंभीरता का प्रतीक है। इन्हीं गुणों को अपने अंदर धारण करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां बच्चों से लेकर बड़ों द्वारा कई सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंबिका के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सैकड़ों बीके सदस्यों समेत स्थानीय लोगों ने नई प्रेरणाओं के साथ नए साल की शुभकामनाएं दी। इसी तरह कुरुक्षेत्र में पुराने वर्ष को विदाई और नव वर्ष का स्वागत और अभिनंदन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव उपेंद्र सिंघल और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय रेड क्रॉस के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर डॉ. दिनेश राणा विशिष्ट अतिथि रहे। अतिथियों ने अपने संबोधन में संस्थान के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से यह सेंटर चलता है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता और यहां तो हर रोज नया साल होता है। इस अवसर पर चंडीगढ़ से आए अनिल कौशिक ने गीता के माध्यम से खुशियों का संदेश दिया, तो वहीं स्थानीय प्रभारी बीके सरोज ने नवीनता को धारण करने का सभी से संकल्प कराया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा इस दौरान सभी को सकारात्मक रहने की प्रेरणाएं दी गईं। बिहार के लखीसराय स्थित मंडल कारागृह में 571 कैदी भाइयों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जेलर अरुण कुमार सिन्हा, जेल अधीक्षक शशि कुमार के निर्देशन में हुए इस आयोजन में मोबाइल वैन में लगी कुंभकर्ण की झांकी और नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान की वीडियो दिखाकर बीके राजीव ने सभा को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में सभी को रचनात्मक और रुचिदायक क्रीड़ाओं के माध्यम से स्वप्रेरणा का प्रशिक्षण सिखाकर रोजाना उसका अभ्यास करने का आह्वान किया गया। अंत में सभी को सहज राजयोग का अभ्यास करवाते हुए मेडिटेशन सीखकर अपनी दिनचर्या को स्वस्थ और सुदृढ़ बनाने का मार्गदर्शन दिया गया तथा इन बुराइयों से बचने की शपथ भी दिलाई गई। सभी से कारागृही को सुधार गृही समझ राजयोग को जीवन में अपनाने पर जोर दिया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में स्थानीय प्रभारी बीके रीटा, बीके प्रियंका, बीके रंजीत, बीके प्रमोद समेत अनेक कई बीके भाई बहनों का अथक सहयोग रहा। बजाने वाले ईश्वर ही होते हैं और जैसा कि हम लोगों ने आज शपथ लिया है कि आज के बाद से किसी भी तरह के नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि इन सभी व्यसनों के जो बुरी सामान है उनसे दूर ही रहें और अपने जीवन को सुखमय और हम अपने परिवार को सुखमय बनाए रखें। कल मेडिटेशन के बारे में बताया गया है, तो आप सभी जो भी इसका अभ्यास अभी किए हैं सिर्फ एक दिन से परिवर्तन नहीं आएगा, इसको रोज आप जीवन में लाएंगे और इसका जो अभ्यास करेंगे तो आप खुद अनुभव करके देखेंगे कि आपकी मनोबल कई गुना बढ़ता जाएगा और जब आपका मनोबल बढ़ेगा तो किसी भी बुराई को छोड़ना फिर मुश्किल लगेगा नहीं लगेगा। बिहार के वैशाली स्थित शांति शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर अलौकिक स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में परमात्मा शिव के ज्ञान द्वारा 5 विकारों रूपी रावण को कैसे समाप्त किया जाता है उस पर लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रानी के सानिध्य में करीबन 1000 बीके सदस्यों ने केक काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर नए वर्ष की खुशियां मनाई। मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, हाजीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, चंपारण सहित आसपास के कई जिलों से बीके सदस्य इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।